रहा है ऑडिबल? यस मैम। हाँ, आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलो ठीक है, रखते हैं फिर शुरू। स्टार्ट विजिबल है? हाँ, यस मैम। मैम। ओके ग्रेट, सो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। We have covered two important topics under this, like health promoting and against the health wala risky behavior, health and another topic was related to chronic health. We have covered uske andar like diseases in diabetes, coronary heart disease, hypertension. We have already cover today under this health psychology we'll cover मैम वॉइस इको हो रही है, साइको न्यूरो वॉइस ब्रेक हो रही है मैम बीच बीच में। इम्यूनोलॉजी। ओके, इट्स साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी रिलेटेड टू मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है और वॉइस भी बहुत इको हो रही है आपकी। साइकोलॉजी। यस ओके, मैम। न्यूरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ओके। सो एज यू ऑल नो ऑलरेडी न्यूरोलॉजी का आप कौन से
हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, यस मैम, यस मैम। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके, सो इट इज एसेंशियल टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मेंटल इवेंट्स व्हिच आर गोइंग ऑन एंड हाउ आर मेंटल इवेंट्स आर रिलेटेड टू आर इम्यून सिस्टम। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है या इम्यून कैपेसिटी है, एबिलिटीज है, उसका हमारे माइंड के साथ क्या कनेक्शन है? ओके, हैव यू एवर विटनेस जब हम परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंजाइटी हो रही है, वल्नरेबल और ससेप्टेबल टू गेट इल। बहुत इजी होता है जब हम बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हैं ना, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट इल। मतलब सर दर्द हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बहुत जल्दी से हम इनवाइट कर लेते हैं उस बीमारियों को। ओके, हैव यू एवर विटनेस्ड इट? यस मैम, एंड इफ वी आर नॉट लाइक, यहाँ से हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है ना मेंटली, वी आर लाइक नहीं आई एम ऑल गुड, तो जो ये वाला जो मेंटल एटीट्यूड होता है ना, वो एक्चुअली बड़ी बड़ी बीमारियों को भी रिवर्स कर देता है। एंड देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर दैट। ओके, सो इन ऑर्डर टू गो डीपर टू अंडरस्टैंड ये चीज कैसे काम करती है, वहां के लिए दिस साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी केम अप। ओके, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड आर मेंटल प्रोसेसेस एंड हेल्थ, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है। सो रॉबर्ट एडर एंड निकोलस क्यूमेन, दे एडवांस दिस विद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल आपको कराया था अबाउट द रैट, कि वो एक चूहा होता है और उसको वो पानी देते हैं, फ्लेवर्ड वाटर, सैक्रीन फ्लेवर्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, और ग्रेजुअली क्या होता है, उसकी एंटीबॉडीज रिलीज होने लगती हैं उसके अंदर। इफ यू रिमेम्बर, याद है एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था हमने, उसको पानी देते हैं, पहले एक्चुअल वाला देते हैं जिससे एंटीबॉडी रिलीज होती है, फिर उसकी कंडीशनिंग आई करते थिंक थे। गार्सिया इफेक्ट, थैंक हाँ यू। जी, एक्सपेरिमेंट याद है सबको, वो ध्यान में है, मैंने बताया था अलोंग विद द इमेजेस आई टोल्ड यू दैट एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट था पूरा। वाटर जब हम रैट को देते हैं तो सिर्फ उस पानी, उस कंडीशनिंग हो गई थी उस पानी की, उस एंटीबॉडी जनरेशन के साथ हमेशा, तो सिर्फ उस फ्लेवर वाटर को पीने से भी एंटीबॉडी जनरेट होनी शुरू हो गई रैट की बॉडी में।
तो मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग हमने इम्यून सिस्टम के लेवल पे कर दिया, एंटीबॉडीज यू अंडरस्टैंड ना, जो फाइट करेंगे डिजीजेस के साथ, ठीक है, तो वो वाले प्रोटीन जो फाइट करते हैं, जो सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के, वो ऑटोमेटिकली कंडीशन होके जनरेट होने शुरू हो गए एक नॉर्मल एक फ्लेवर्ड वाटर पीने से, बिकॉज उस वाटर की कंडीशनिंग की गई थी, ठीक है. सो दे कॉइंड आउट दिस टर्म साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सच एक्सपेरिमेंट. सो ये दिस इज द एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली. टू कंडीशन रैट ही यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्रीन लेस्ड वाटर विच इज अ कंडीशन स्टिमुलस एंड अ ड्रग साइटोटैक्सिन. तो एक प्रॉपर जब एक फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में डालते हैं तो उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज होती है, ठीक है. तो उन्होंने ये ड्रग नॉर्मली लिया और इसकी वजह से क्या हुआ, नॉजिया हुआ, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है, नॉजिया हुआ, टेस्ट एवर्जन हुआ, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, ठीक है. अब लेकिन वो इसको कंबाइन कर रहा था सेक्रीन वाटर के साथ, दिस इज कंडीशन स्टिमुलस, ओके. सो सरप्राइजिंगली उनको ये पता चला कि कंडीशनिंग हो गई इनकी इस ड्रग की और इस वाटर की, फ्लेवर्ड वाटर की, ओके. एंड जब उन्होंने इस फ्लेवर्ड वाटर को ऐड किया, मतलब दिया उसको इन एब्सेंस ऑफ दिस ड्रग, तो सिर्फ इस फ्लेवर्ड वाटर को पीने से भी बॉडी में वही चेंजेस आए जो उस ड्रग की वजह से आ रहे थे. सो दिस इज हाउ उनकी कंडीशनिंग हो गई थी. किस लेवल पे? इम्यून सिस्टम के लेवल पे. इम्यून सिस्टम वॉज बींग अफेक्टेड. ओके, इज इट फाइन कॉन्सेप्ट है ये? Yes, ma'am. Okay. So, why are we studying this immune system? So, again, immune system की क्या importance है? You know, ये जो हमारी natural ability है to fight against any foreign material, any foreign organism, that comes from immune system. Body के antibodies generate होती हैं. अभी जब corona हुआ तो we all got vaccinated. Why? ताकि जब फिर से कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करे तो उस वैक्सीन की वजह से हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून हो गई है कि एंटीबॉडीज सोल्जर्स तैयार है, दुश्मनों को पहचानते हैं वो. अब जब फिर से दुश्मन आएगा तो दिल अटैक. एंटीबॉडीज क्या है? सोल्जर्स है हमारी बॉडी के, ठीक है. अभी एक बार ही ना उनको सिर्फ दुश्मन दिखाने होते हैं, तो वैक्सीन क्या काम करती है? वैक्सीन में ऑलरेडी वो फॉरेन मटीरियल होता है. अभी जो कोरोना की वैक्सीन हम लोगों को लगी उसमें एक्चुअली कोरोना वायरस ही होता है जो हमारे अंदर डाला जाता है, बस उसको एटेन्यूएट करके वीक करके डाला जाता है ताकि हमें ज्यादा बीमारी ना हो, ठीक है. दैट इज वाई वो वायरस डालते हैं, हमें फीवर आ रहा था, वो वैक्सीन लगाते ही हमें फीवर आ रहा था. इट इज एक्चुअली कोरोना वायरस का एक छोटा सा पार्ट या फिर उसका कोई कॉपी हो सकता है, सूडो कॉपी हो सकता है. तो क्या होगा, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और उसके अगेंस्ट अपने सोल्जर्स तैयार करती है विच आर एंटीबॉडीज, ठीक. अब लेकिन जो एंटीबॉडीज तैयार हो गए हैं ना उसके अगेंस्ट, वो हमारी बॉडी में ही रहते हैं. नेक्स्ट टाइम जब एक्चुअल में कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा तो वो सोल्जर्स वो दुश्मन को पहचानते हैं ऑलरेडी, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर दुश्मन का एक पर्टिकुलर सोल्जर, ऐसे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं, है ना. कोरोना के एंटीबॉडीज मलेरिया को क्योर नहीं कर सकते, उसको नहीं टारगेट करेंगे, या फिर और कोई कॉमन कोल्ड का वायरस है उसको टारगेट नहीं करेंगे, ओके. अलग अलग बीमारी के अलग अलग नेचर ऑफ वायरस है, अलग अलग दुश्मन भेजते हैं तो अलग अलग सोल्जर भी जाते हैं. तो स्पेसिफिक सोल्जर के होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है स्पेसिफिक वायरस के लिए, फॉरेन मटेरियल के लिए. तो अब वो पहचानता है कि अच्छा कोरोना वायरस ऐसा है, वो आएगा तो उसी के पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बॉडी में एक्टिवेट हो जाएंगे टू अटैक दैट, ताकि हमें वो बीमारी ना हो, राइट. दिस इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स. हां जी मैम, जैसे आपने बोला कि कोरोना वायरस को ही ठीक करके मतलब इंजेक्शन फॉर्म में हमारी बॉडी में देते हैं, तो इज दिस द प्रोसेस लाइक सेम फॉर एवरीथिंग? लाइक अगर किसी को कैंसर हटाना है तो उनको वही सेल्स ठीक करके लाइक ऐसे उनको देते हैं बॉडी में कि वो ठीक हो जाए कैंसर उनका? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वायरस. अब कैंसर वायरस से नहीं होता है, राइट. कैंसर हैज अ होल डिफरेंट मैकेनिज्म.
है ना, कैंसर में क्या हो रहा है, आपके सेल्स प्लोरिफरेट होने लगते हैं. कैंसर इज नॉट अ वायरल और बैक्टीरियल डिजीज, राइट? जो वैक्सीन में होता है, हाँ जी, तो ये सिर्फ वायरल वायरल में वायरल है, बैक्टीरियल है, जिन जिन चीजों की आपको वैक्सीन लगती है. कैंसर का अगर ऐसा सीन होता है तो वैक्सीन लगता है और हम ठीक हो जाते हैं. पोलियो, पोलियो का, राइट, पोलियो का हमें वैक्सीन लगा इनिशियली. ओके, हेपेटाइटिस का लगता था. तो जो आपके पर्टिकुलर वैक्सीन वाले डिजीज हैं, आपको जब जब वैक्सीन लग रहा है ना किसी चीज का, तो यू कैन गेट इट कि हाँ इसका ये मैकेनिज्म है. कैंसर हैज अ होल डिफरेंट मैकेनिज्म. तो जितनी भी वायरस से होने वाली डिजीजेस हैं, इवन एट टाइम्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस आल्सो, तो वहां पे ये मैकेनिज्म फॉलो होता है. ओके मैम, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. सेम चीज लिखिए, प्राइमरी फंक्शन क्या है इम्यून सिस्टम का, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्स क्या है, फॉरेन क्या है, एंड टू अटैक द फॉरेन इन्वेडर. सिंपल सा रूल है बॉडी का, जो फॉरेन दिखता है वो उसी को अटैक कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज आवर नेचुरल इम्यून सिस्टम. नेचुरल हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन है. दैट इज वाई हमें कहा जाता है कि बचपन से ही बच्चों को इतना ओवर प्रोटेक्ट करके नहीं रखना चाहिए कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए. राइट, व्हाट हैपेंस अगर हम बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करके रखते हैं बचपन से, तो उनकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होती है. अगर आप उनको घर में रख रहे हो, बाहर नहीं जाने दे रहे हो बिल्कुल भी, तो कोई बाहर का एलर्जन उनकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, मिट्टी कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है. तो जब वो चीजें कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगी, तो बॉडी में उसके अगेंस्ट आपका जो सिस्टम है वो कैसे तैयार होगा. अब वो घर में ही घर में है, उसी एनवायरनमेंट में है. द मोमेंट दे विल स्टेप आउट ऑफ देयर होम, ठीक है, जब उनको एक्चुअल में बाहर जाना पड़ेगा, तब वो फटाफट बीमार हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है. डेवलप होने के लिए उसको काउंटर करना पड़ेगा उन चीजों को. ठीक है, सो दिस इम्यून सिस्टम एंड आर नेचुरल इम्यूनिटी, दे वर्क टूगेदर एंड हमारी हीलिंग में भी काम करते हैं, डे टू डे हीलिंग में. मेनी स्ट्रेसेस कैन एडवर्सली अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम. This I have already told. जब भी हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रेस्ड आउट ऑटोमेटिकली हो जाता है, नॉर्मली वर्कआउट नहीं करता है, अलग शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर. वी गेट इजिली लाइक वल्नरेबल टू अदर डिजीज. फिर जुकाम खांसी भी होएगा, फिर बुखार भी लग जाएगा, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाएंगे. वंस वी आर लाइक स्ट्रेस्ड आउट और वीक, तो वी आर ससेप्टेबल टू मोर डिजीजेस. Also, we have at times autoimmune disorders. ठीक है, ये भी स्ट्रेस से ही इफेक्ट होते हैं. autoimmune disorders में अपने आप ही हमारा इम्यून सिस्टम हमी को अटैक करता है. बहुत परेशान, बहुत खतरनाक बीमारी है, एक्चुअली होती है लोगों को, जहां पे आपके बॉडी के जो सेल इम्यून सेल्स हैं, वो आप ही के बॉडी के सेल्स को फॉरेन की तरह ट्रीट करते हैं, फॉरेन मटेरियल की तरह, कि कोई बाहर से आया है. मतलब इमेजिन घर के लोगों के अंदर जब एक इंसान को अपने घर के लोग दुश्मन लगने लगे और वो उन्हीं को अटैक करे, इट इज समथिंग लाइक दैट. तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमारी बॉडी हमें अटैक कर रही है. ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ही दुश्मन बन गया है, तो विच इज वेरी वर्स्ट सिचुएशन. ठीक है, तो लेकिन अगेन इसका कनेक्शन स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ काफी ज्यादा दिखा गया है. ओके, डिप्रेसिव सिम्टम्स को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज. इन्फ्लेमेशन इज पेन, स्वेलिंग. जब कहीं स्वेलिंग होती है पूरा, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ठीक है, और स्वेलिंग क्यों हो रही है? स्वेलिंग बेसिकली हीलिंग के लिए होती है, बिकॉज बॉडी के सारे हीलिंग सेल्स वहां पे जाके दे जस्ट कंपाइल, एक्यूमुलेट. आपकी बॉडी हील होने के लिए एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट होने लगती है, हील दैट एरिया, इसलिए वहां पे स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेस स्पेक्ट्रम. जब एक्यूट स्ट्रेस होता है, यानी कि मिनट्स टू आवर्स, ठीक है, थोड़े घंटों भर का स्ट्रेस जब हमें हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? स्ट्रेस परसेप्शन टू परसीव दैट स्ट्रेस, किस लेवल का स्ट्रेस है, कैसा है, क्या क्या चल रहा है हमारे अंदर. ठीक है, एंड वी जस्ट ट्राई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं.
ग्रेजुअली जब बैलेंस नहीं हो पाता है, हम उसको कोप नहीं कर पाते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में कन्वर्ट होने लगता है. होता है ना, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, फिर सर में दर्द होगा, बॉडी वीक लगेगी, लिथार्जी फील करेंगे, ठीक है. तो दैट इज कन्वर्टिंग इनटू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. एंड देन फिजियोलॉजी के बाद वो साइको फिजियोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो वहां पर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गेट अफेक्टेड. सो योर इम्यून एनहांसमेंट, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट जब ये सारी स्टेजेस आ जाएंगी, तो आपका ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स मोबिलाइजेशन, इनेट रिस्पॉन्स आपका बॉडी का बढ़ेगा, अडैप्टिव रिस्पॉन्स कैसे अडैप्ट करना है सिचुएशन में वो बढ़ेगा, थायराइड रिस्पॉन्स बढ़ेंगे आपके, जो सॉरी नॉट थायराइड, वो जो थाइमस है यानी कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, थाइमस ग्लैंड से ही आपके वो बी सेल्स टी सेल्स जनरेट होते हैं. एंड इम्यूनो प्रोटेक्शन, तो बॉडी एक्टिवेट होगी टू प्रोटेक्ट इट, कैसे काम करना है. ओके, क्रोनिक स्टेट में जब बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, व्हाट विल हैपन, अगेन सेम प्रोसेस विल गो ऑन. क्रोनिक स्ट्रेस हो रहा है तब भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन जब क्योंकि स्ट्रेस क्रोनिक है तो ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये एडवर्स होगा, बहुत ज्यादा होगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उसको कोप शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है. दैट विल लीड टू एवर्सिव हेल्थ इश्यू. यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम भी डिसरेगुलेट होने लगता है, और ये जितना भी इम्यून सिस्टम में जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव चीजें थी जो बैलेंस करने में मदद करती हैं, वो सारी रिड्यूस होने लगेंगी, ठीक है, वो काम नहीं करेंगी. दैट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम भी काम नहीं करेगा अच्छे से, राइट. इन जनरल जब मेंटेन स्टेट होती है, जब इम्यून सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, दैट इज अ नॉर्मल स्टेट. जब हम स्ट्रेस में नहीं होते हैं, जब हम स्ट्रेस में नहीं होते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल रेजिलियंस काम करेगा, हम कोप कर पाएंगे, सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, ठीक है, हमारा स्लीप साइकिल नॉर्मल होगा, हमारा जेनेटिक्स भी ऑप्टिमल रहेगा, सपोर्ट करेगा, जेनेटिक्स और एनवायरमेंट दोनों का रोल रहेगा ओवरऑल. एंड देन फिजियोलॉजिकली भी हमारी बॉडी उतना ही रेजिलियंट बिहेव करेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, एंड वी विल बी एबल टू मेंटेन आवर हेल्थ, एंड वो ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ना कुछ ज्यादा होगा ना कुछ कम होगा, नॉर्मल स्टेट. अभी हम लोग नॉर्मल स्टेट में है, आर बॉडी इज नॉट नॉट नीदर फाइटिंग समथिंग, है ना, ना ही रेजिस्ट कर रही है किसी चीज को, इट इज एट इक्विलिब्रियम. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल हमारे जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू अ स्पेसिफिक डिजीज, जो अभी हम बात कर रहे थे, कैंसर. ओके, कैंसर से एसोसिएटेड कैसे चीजें काम करती है. सो कैंसर इन जनरल इज अ सेट ऑफ मोर देन 100 डिजीजेस. ओके, एक कैंसर सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारे सिम्टम मिलके कैंसर बना रहे हैं. बेसिकली कैंसर में क्या होता है, आपका डीएनए जो है, डीएनए के लेवल पे डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि जीन में दिक्कत आ रही है, एंड दैट विल लीड टू आपका जो सेल का ग्रोथ है, जो रिप्रोडक्शन साइकिल है, हमने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा था सेल ग्रोथ के बारे में, सेल रिप्रोडक्शन के बारे में. आप इमेजिन करो आपके जो सोमैटिक सेल्स हैं, उसका जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक से दो सेल बनते हैं. इमेजिन वो जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है, इट इज नेवर एंडिंग, इट इज जस्ट रेप्लिकेटिंग, मल्टीप्लाइंग, रैपिडली मल्टीप्लाइंग, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, कोई स्टॉपेज ही नहीं है, रैपिड सेल ग्रोथ हो रही है, एक्सेसिव रैपिड सेल ग्रोथ हो रही है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब्ड होने लगेगा, दैट दो सेल विल नीड मोर एनर्जी, उनको भी तो खाना पानी चाहिए ना, इतना सेल ग्रोथ हो रही है एक्सेसिवली नॉर्मल से ज्यादा, एंड दे विल बॉडी का सारा न्यूट्रिशन वो खुद ले लेंगे, सारे रिसोर्सेज जो बाकी सेल्स को चाहिए नॉर्मली फंक्शन करने के लिए वो खुद ले लेंगे, तो डेफिनेटली बॉडी का सिस्टम शट डाउन होने लगेगा, ठीक है. What are the stages है? Stage one is early stage, जहाँ पे ट्यूमर बिल्ड हो सकता है. ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ट्यूमर हम तब बोलते हैं जब आपको ये जो सेल प्रोलिफरेशन का प्रोसेस है ये लोकलाइज्ड होता है हेड में, सुना है ना, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है. तो जब
इस एरिया में ब्रेन में सेल प्लोरिफरेशन हो रहा है, बाकी बॉडी में नहीं हो रहा है, सिर्फ इस एरिया में हो रहा है। तो जब कुछ लोकलाइज होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही आपके सेल स्प्रेड हो रहे हैं, तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ओके, सेकेंड स्टेज इज लोकलाइज्ड कैंसर हैज स्टार्टेड टू अफेक्ट नियर बाय टिश्यू, मास मे हैव ग्रोन इन साइज, स्प्रेड टू लिम्फ नोड नियर द मास। अब धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में वो जो ट्यूमर है वो स्प्रेड होना शुरू होगा नियर बाय टिश्यूज, साइज बढ़ता जाएगा ट्यूमर का। ठीक है, लिम्फ नोड आप ध्यान रखना, जो हमारा लिम्फ नोड्स है या जो लिम्फ सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, दैट इज कनेक्टेड विद योर इम्यून सिस्टम, हमारे बी सेल टी सेल ये सब लिम्फ से ये एसोसिएटेड है। देन थर्ड स्टेज इज रीजनल स्प्रेड, अब वो और ज्यादा एरिया एक्सपैंड करेंगे इफेक्ट का, पहले छोटा सा एरिया फिर बड़ा, अब और बढ़ेगा, साइज बढ़ता जाएगा और दूर दूर के लिम्फ नोड भी इफेक्ट होने लगेंगे, यानी कि बॉडी धीरे धीरे बॉडी तक पहुंचेगा। डिस्टेंट स्प्रेड एंड ग्रेजुअली वो बाकी सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करने लगेगा, इसको हम मेटास्टेटिक स्टेट बोलते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर, जब पूरी बॉडी में वो कैंसर सेल्स फैल जाते हैं। ठीक है, सो कैंसर से क्या इश्यूज हैं, क्या परेशानियां हैं, दिस आई गेस यू ऑलरेडी नो, सबने कहीं ना कहीं दूर दराज किसी ना किसी फैमिली इशू में कैंसर देखा होगा, एंड कैंसर की वजह से क्या सफरिंग दे यूज्ड टू हैव, पूरी फैमिली क्या सफर करती है, वो पर्टिकुलर इंसान क्या सफर करता है, दिस आई गेस यू ऑलरेडी नो। प्लस ट्रीटमेंट के लिए उनको कितना खर्चा चाहिए, हाउ दे डील विद इट, राइट। सो देर आर नंबर ऑफ एसोसिएटेड इशूज जो कि डील करने पड़ते हैं, एंड इन इंडिया ये 2012 का एस्टिमेट है, 6 lakh to 7 lakh deaths in India was estimated. Okay, this is again ये पुराना 2014 तक का data है, you can see. तो mortality rate of female is 36.4% and for male is 28.9% due to cancer. This is just the prevalence है कि कितना फैला हुआ है कैंसर, इवन इन अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएसए, इवन दे हैव सर्टेन रेट ऑफ कैंसर, स्पेशली सर्विकल एंड ब्रेस्ट कैंसर मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया एंड 1.6 टू 1.6 टाइम्स हायर देन मेटर्नल मोर्टैलिटी। ठीक है, ये कैंसर आपको देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, हर दूसरे मतलब टाइम पे यू कैन हर्ड ऑफ दिस, ओवरियन कैंसर सेकंड हाईएस्ट माना गया है। तो दीज आर वेरियस ऑर्गन्स जहाँ कैंसर होता है, लिप, ओरल, स्टमक, लिवर, ओएसोफेगस कैंसर, फूड पाइप कैंसर हो जाता है लोगों को, आई, ब्रेन ट्यूमर, बोन में, यूरिनरी ट्रैक, सर्विकल इज वेरी कॉमन, स्टमक में ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी वेरी कॉमन। So, like it is covering all the areas of our body. So, cancer can occur in all these things. ठीक है, if you talk about oral cancer, तो कहते हैं कि cause is the major cause is tobacco. देखते हैं ना वो movies देखने जाते हैं, सबसे पहले वो tobacco की ad देते हैं और कहते हैं इससे cancer हो सकता है, smoking की ad देते हैं, उससे lung cancer हो सकता है, तो it is like that. तो there are number of things, number of reasons also जहाँ cancer prevail करेगा. Who get cancer? किसको कैंसर होता है? एक तो इट में रन इन फैमिलीज, हो सकता है आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हो एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल तो आप कैंसर पकड़ सकते हो जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देन देर आर इन्फेक्शियस एजेंट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस वायरस कैन लीड टू सर्विकल कैंसर। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये गैस्ट्रिक कैंसर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर कि कहाँ कैंसर हो रहा है, कौन से बॉडी ऑर्गन में, टिश्यू में कौन सा वायरस इन्वॉल्व है या वायरस नहीं इन्वॉल्व है, इन जनरल आपकी सिर्फ डाइट की वजह से हो रहा है, बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक रीजन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, रीजन हो सकता है सर्विकल कैंसर का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, बट अगेन इन जनरल इफ यू आर गेटिंग कैंसर एंड यू डोंट नो एनीथिंग, तो
इट इज नॉट ऑलवेज कि कोई वायरस ही आके अटैक कर रहा है, सिर्फ हमारी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से भी कैंसर हो सकता है. कुछ कैंसर एथनिकली लिंक्ड है, लाइक कहते हैं कि यूएस एंग्लो मैन हैव ब्लैडर कैंसर एंड लेटिनो मैन एंड वुमेन हैव लोएस्ट लंग कैंसर रेट. कुछ कल्चरली लिंक्ड है हमारे लाइफस्टाइल से, लाइक जापानीज अमेरिकन वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू ब्रेस्ट कैंसर. ओके एंड अगेन ये कनेक्शन है उनके डाइट से. मोस्ट कैंसर आर रिलेटेड टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है तो कहा जाता है कि द पर्सन विल बी मोर एट रिस्क बिकॉज ऑफ डाइटरी इशूज, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. वेरी इंटरेस्टिंगली दे आर सेइंग मैरिड पीपल, स्पेशली मैरिड मेन, डेवलप फ्यूअर कैंसर देन सिंगल पीपल. Sole exception of this pattern is gender-linked cancer, such as prostate or cervical cancer, to which married people are somewhat more vulnerable than single people. So, कह रहे हैं जो proper gender-linked cancer है, like prostate and cervical, ये तो married लोगों में ज़्यादा है, but in general they are saying कि single people are having more cancer issues. So, I have no idea about this, but again कुछ research से ही enter हुआ होगा ये. Dietary factors. This already we know, dietary factor, malnourished है, immune system develop नहीं हुआ है, vitamin nutrients proper नहीं है, या alcohol ले रहे हैं, smoke कर रहे हैं, tobacco ले रहे हैं, तो ये सारे चीजें can actually lead to cancer development. Breast cancer के risk factors and preventions, these are the risk factor like gender, females में obviously होगा ज्यादा. एज आफ्टर द एज ऑफ 40 इंक्रीज हो जाता है. हेरिडिटरी फैक्टर्स भी रहते हैं, जिन बच्चों में अर्ली मेनार्क आता है बिफोर 12, फैमिली हिस्ट्री जिनकी कैंसर की रही है, जिनका मेनोपॉज बहुत लेट आता है, रेडिएशन थेरेपी इन द चेस्ट एरिया, एक्सपोजर टू रेडिएशन, दिस ऑल मे लीड टू कैंसर. हैविंग नो चिल्ड्रन इंक्रीजेस, इंसिडेंस डिक्रीजेस when women gave birth. ठीक है, बर्थ देने के बाद कहते हैं ये चांसेस कम हो जाते हैं, अदरवाइज बढ़ते हैं. गिविंग बर्थ एट एन ओल्डर एज, जब हम आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, ज्यादा कहते हैं कि अगर हम बहुत लेट एज में इफ वी आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड तो भी चांसेस बढ़ सकते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं कराते हैं बच्चों को प्रॉपरली तो इशू हो सकता है. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन वर्क हेयर. Eating lot of processed and fatty food की वजह से हो सकता है, again focusing on our dietary facts. अगर hormonal birth control, बहुत contraceptive medicines बहुत ज़्यादा use करी है तो भी हो सकता है. Exercise proper हमने नहीं करी है, obesity can lead to all this. So these are again risk factors. जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे they are uncontrollable risk factor, like age we cannot control, genetic we cannot control, menak kab aa raha hai kab nahi aa raha hai we cannot have a control over that, but niche jo abhi humne padhe diet hai hamara, exercise hai, right, breastfeeding hai, these are controllable risk factors. Prevention mein again we have to follow a holistic healthy lifestyle, exercising it and focusing on a healthy diet. ठीक है, तो दीज आर मेजर प्रिवेंटिव फैक्टर्स है. नाउ वी आर कमिंग टू साइको सोशल फैक्टर्स एंड कैंसर. सो द मेजर साइको सोशल फैक्टर हेयर इज स्ट्रेस. ओके, सो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेस, जैसे कि आपको सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब कैंसर से एसोसिएटेड है. अगर क्लोज फैमिली नहीं होती है, सपोर्ट नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट, तो देखा गया है रिसर्चेस में कि वहां पे कैंसर ज्यादा पाया गया है. ओके, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है. फिर मेजर सोशल स्ट्रेसेस, जहाँ डिवोर्स है, इनफिडेलिटी यानी कि बच्चा नहीं हो पा रहा है, मैरिटल क्वेरलिंग है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, तो देखा गया है वहां पे सर्विकल कैंसर ज्यादा देखा गया है फीमेल्स ऑब्वियसली. Long-term study on cancer mortality prognosis found that women were socially isolated. जो socially isolated रखी गई
समाज से दूर रखी गई हैं, इवन दे डाइड ऑफ कैंसर. ओके, देन अवॉइडेंस और इनएबिलिटी टू कन्फ्रंट द डिजीज हैज बीन टाइड टू मोर रैपिड कोर्स ऑफ डिजीज. तो ये जो स्टेट ऑफ एस्केपिज्म होता है हमारे माइंड में, हमें ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो जो एक रहता है ना, ये बीमारी नहीं, ये बीमारी नहीं, वो इस चक्कर में वो बीमारी हो जाती है, रेदर देन आप उससे बचो, यू गो मोर क्लोजर टू इट. ठीक है, तो यू आर नॉट रेडी टू कन्फ्रंट एनी डिजीज. या कुछ लोगों को देखो आप, कैंसर के इतने एग्जाम्पल्स हैं, पीपल सर्वाइव्ड कैंसर, एंड देर आर पीपल सिर्फ कैंसर की खबर सुनी है उनको है, एंड दे वर जस्ट गॉन, सब छोड़ दिया उन्होंने होपफुली, एंड देर आर पीपल हु एक्चुअली फॉट बैक. ठीक है, तो इट ऑल्सो मैटर्स अगेन. डिप्रेशन से कंडीशन कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे. डिनाइल और अगेन वही वाली बात, डिनाइल एंड डिप्रेसिव कोपिंग स्ट्रेटजीज. कोई इशू हो रहा है लाइफ में एंड वी आर डिनाइंग इट, वी आर सप्रेसिंग थिंग्स विद इन, तो वहां पर भी चांसेस हो सकते हैं रिस्क के. कोपिंग मैकेनिज्म रिप्रेसिव है, अगेन वी आर जस्ट अंदर ही चीजें दबती जा रही है हमारे, तो वहां पर भी चांसेस बढ़ते जाएंगे हमारे. नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग वन सिचुएशन, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रैपिड कोर्स ऑफ इलनेस इन कैंसर पेशेंट. मतलब वही अगेन, कैंसर का नाम सुनते ही दे हैव इन देयर हेड, अब तो हमारे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, वी कांट डू एनीथिंग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फैमिली का क्या होगा. एंड अगेन ये जब इतना इंसान स्ट्रेस लेगा तो वो कंडीशन और वर्स हो जाती है. ठीक है, तो वो पैसिमिज्म, जो पैसिमिस्टिक एटीट्यूड है, वो और ज्यादा सिचुएशन को वर्स बनाता है. डिप्रेशन का इम्पोर्टेंट रोल है कैंसर इनिशिएशन में, एंड इट अफेक्ट्स मोर कैंसर प्रोग्रेशन एज अपोज टू इनिशिएशन. तो कैंसर इनिशिएट करने से ज्यादा कहा गया है डिप्रेशन कैंसर को और ज्यादा बढ़ावा देता है. मतलब सपोज अ पर्सन हैज बीन डायग्नोज विद ट्यूमर और कैंसर, अब वो डिप्रेस स्टेट में चला गया है सिर्फ ये खबर सुन के, तो ऑब्वियसली उसका जो सेल्स का मैकेनिज्म है वो और ज्यादा डिटेरियोराइट होगा. राइट, मैंने शायद पहले भी बात करी है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो हमारे सेल के साथ एसोसिएटेड है. ओके, आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ बुक कॉल्ड बायोलॉजी ऑफ बिलीफ. राइट, इट ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स कैसे हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, जो सेल सिस्टम है, इट इज एसोसिएटेड विद आवर थॉट्स, और जो थॉट्स हम एंटरटेन करते हैं वो ईच एंड एवरी सेल गेट्स अफेक्टेड. बॉडी का हर एक सेल इससे अफेक्ट होता है. नेल्लोर नेचुरल किलर, एनके इज नेचुरल किलर सेल, जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो अगेन बॉडी में म्यूटेशंस बढ़ेंगे. म्यूटेशन मतलब मैनिपुलेशन, जीन लेवल म्यूटेट हो जाता है ना, नॉर्मल नहीं रहता है जेनेटिक सिस्टम, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो म्यूटेशन हो जाता है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है. और ये तब हो रहा है जब नेचुरल किलर सेल यानी कि जो इम्यून सेल का पार्ट है वो कम होने लगेंगे. राइट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का भी रोल रहता है कैंसर में. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर फ्री रेडिकल्स, आई गेस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको. फ्री रेडिकल्स दे क्रिएट अ चेन रिएक्शन, रिएक्ट करते जाएंगे आपकी बॉडी में. फ्री रेडिकल्स दे विल कीप रिएक्टिंग, एक के बाद एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है बॉडी में, जो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है बॉडी को. ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज हो सकता है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कैंसर. देन 8-hydroxydeoxyguanosine, डरना मत इस नाम से, ये आपके समझ लो डीएनए का ही एक कॉम्पोजिशन है. मतलब डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया था ATGC होते हैं, बैंड्स होते हैं ना, ATGC, guanine, cytosine, thymine, ATGC हमने बैंड्स पढ़े थे, राइट? तो उसी में अब guanosine की बात कर रहे हैं. अब guanosine का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 8th पोजीशन पे वहां पे ऑक्सीजन, डीऑक्सीज ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. ओके, तो वहां पे ऑक्सीजन की जगह OH लग जाता है, हाइड्रोक्सी लग जाता है, 8-hydroxydeoxyguanosine. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज, जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल गुआनोसिन, नॉर्मल डीएनए बैंड नहीं रहेगा ना,
ठीक है, नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड बेस नहीं रहेगा, यानी कि उसका म्यूटेशन हो गया है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी बॉडी में, इट मे ऑल्सो लीड टू कैंसर. ओके, डिप्रेशन वी ऑलरेडी नो, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाएगा. ठीक है, इंफ्लेमेटरी सेल्स मूव इन टू ग्रोइंग ट्यूमर, सजेस्टिंग दैट दे प्रोड्यूस न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट कैन कंट्रीब्यूट टू ट्यूमर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. तो इसमें सब कुछ रिवर्स हो गया प्रोसेस हमारा, जो हमारे इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो जिनका काम हमें प्रोटेक्ट करना होता है, मतलब जब हमें प्रॉब्लम होती है ना, मैंने बताया जब स्वेलिंग होती है तो वहां पे कुछ सेल्स जाके इकट्ठे होंगे टू फाइट दैट एरिया. अब इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा, यानी कि वहां पे और ज्यादा रिएक्शन चल रही है, ट्यूमर हुआ वहां पर भी सेल्स जाएंगे इकट्ठे होंगे, और वो दे विल कॉज मोर इन्फ्लेमेशन, मोर पेन, मोर रिएक्शन देयर, और उससे आपके जो सेल्स हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं, वो और ज्यादा बढ़ते हैं. ओके, मैक्रोफेज एक्टिवेशन, मैक्रोफेज इज अगेन फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब फॉरेन सेल को मार के खाने का काम होता है मैक्रोफेज का. ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ावा देते हैं, राइट? तो ये कैंसर को और ज्यादा बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, तो ये हमें हेल्प नहीं करते हैं एट दैट मोमेंट. ठीक है, दे प्रमोट कैंसर. हाउ कैन वी एडजस्ट टू कैंसर? वी अगेन वी हैव लाइक लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज, आप अपना डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे ही हमने पढ़ा प्रिवेंशन में. ठीक है, देन नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर प्रिवेंशन. आपने प्रिवेंशन की हमने बात कर ली थी, अब कैंसर हो चुका है, कैंसर के बाद कैसे आप कोप कर रहे हो, कैसे आप एडजस्ट कर रहे हो, तो अगेन बॉडी विल कम इन टू डिस्कम्फर्ट. ठीक है, अब बॉडी में जो जो इश्यूज आएंगे, हम अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को पहले समझना है, फिर एक्सेप्ट करना है. फटीग इज वेरी कॉमन, कैंसर हो गया है तो फटीग विल बी वेरी कॉमन. उसको हम न्यूट्रिएंट, अपने प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन से वी कैन ट्राई टू डील विद इट. साइकोसोशल टोल ऑन पीपल, तो कैंसर से रिलेटेड वो जो सोसाइटल प्रेशर रहेगा, जो मैसेजेस आएंगे, लोग विल, पीपल विल फील पिटी एट यू एंड एवरीथिंग, वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसको साथ डील करना पड़ता है. डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जाता है डेफिनेटली. एंड दे नीड सम काइंड ऑफ सोशल सपोर्ट, रेदर देन वो उनके नेगेटिव काम करे, दे नीड सम हेल्दी सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, ताकि नेगेटिव थॉट्स ना आए. जिन लोगों को कैंसर होता है ना, आई हैव सीन नंबर ऑफ कैंसर एग्जाम्पल्स. ठीक है, एंड आई हैव सीन ऑल्सो सीन जहाँ पे वो रिकवरी हुई है, उनकी फैमिली में इतना लाइवली माहौल क्रिएट करते हैं वो लोग, बिकॉज मतलब एज इफ कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एंड इट वर्क्स अ लॉट. मतलब पेशेंट को एहसास ही नहीं होता है कि अच्छा कुछ है भी, क्योंकि अब घर में वो रेदर देन की सब लोग मुंह लटका के बैठे हैं, दे ऑल आर लाइक हैविंग फन, चिलिंग, क्रैकिंग जोक्स ऑल टाइम. तो इससे क्या होता है, जो जो पेशेंट है, जिसको जो इश्यू जो डील कर रहा है, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है, उसको चिंता नहीं करनी पड़ती, अच्छा मेरी फैमिली भी परेशान है. और जब वो खुश रहेगा इंसान, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिकवरी अच्छी होगी, या वो जो पेन उसको गो थ्रू करना है, वो थोड़ा शायद कम इजिली निकल जाए, राइट? तो सोशल सपोर्ट का काफी रोल रहता है. डिस्टर्बेंस इन मैरिटल रिलेशनशिप अगेन सिचुएशन को खराब करेगा. सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकती है ट्रीटमेंट की वजह से, एंड कैंसर पेशेंट के बच्चे जो डिस्ट्रेस में होंगे, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स. आई गेस इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नया जान रहे हो फिलहाल के लिए, कि कैंसर होगा तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, और फैमिली को परेशान देख के पेशेंट परेशान होगा. ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर कैंसर रिलेटेड डिप्रेशन, अगेन फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, फैमिली सपोर्ट, मेडिकेशन, इंडिविजुअल थेरेपी एंड सपोर्ट ग्रुप्स. साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में पीपल कैन एक्चुअली, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द
देर आर पीपल आउट देयर जिनको कैंसर हुआ है एंड दे हैव एक्चुअली फाउंड मीनिंग आउट ऑफ इट बिकॉज एट दैट पॉइंट दे आर एट द वर्ज ऑफ देयर लाइफ. उनको लग रहा है कि हाँ मेरा लाइफ खत्म होने वाला है, अभी कुछ नहीं बचा है लाइफ में. दैट गिव्स टू सम पीपल, इट ऑल्सो गिव्स इमेंस सेंस ऑफ लिबरेशन. मतलब लाइफ में कुछ होल्ड करने के लिए नहीं बचा है. एंड दिस इज द टाइम जब वो खुद को रीइवैल्यूएट करते हैं एज अ पर्सन एंड एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उनकी लाइफ को. राइट, फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल आउट देयर जो ये कैंसर को डील करने के बाद जिनकी लाइफ चेंज हो जाती है, जिनको मकसद मिलता है चलो हमें इसी पे काम करना है कि अब किसी को कैंसर ना हो, या हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम करना है, तो वो अपनी लाइफस्टाइल पे भी काम करते हैं, दूसरों में भी स्प्रेड करते हैं इस चीज को. राइट, सो दिस इज द थिंग एंड इट एक्चुअली हैपेंस विद मेनी पीपल. लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंसेस उनको गो थ्रू होते हैं, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग आउट ऑफ देयर इलनेस ऑल्सो. एजुकेशनल इंटरवेंशन उनको अगर ट्रीटमेंट से पहले दिए जाए, उनको अवेयर कराया जाए व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग, दैट आल्सो वर्क्स. सीबीटी कैन बी डन अगेन टू डील विद जो भी उनका प्रोसीजर है, कीमोथेरेपी एंड ऑल दैट विच इज क्वाइट पेनफुल. माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन इंटरवेंशंस, सो ऑल दिस कैन सपोर्ट. इम्प्रूविंग हेल्थ बिहेवियर एक्सरसाइज, बिहेवियर इंटरवेंशंस, विजुअल टेक्निक्स, मेडिटेशन, journaling, writing interventions, affirmations, positive affirmations, coping के लिए emotional approach, individual therapy. So I guess these are common therapy जो यहाँ use हो सकती हैं. Family therapy, couple intervention हो सकते हैं. So this was all about cancer. Any doubts to anyone regarding cancer? किसी को कुछ जानना है, पूछना है, या कुछ ऐसा इसमें जो आपको लगे कि बिल्कुल आया नहीं समझ या आता नहीं था? हाँ जी, समझ आया? क्लियर है मैम, क्लियर है. ठीक है, yes, तो बेसिक सी है ये, आपको बस एक ओवरव्यू होना चाहिए हर चीज का, कैसे चीजें काम कर रही है, यू विल बी एबल टू फॉलो अगर क्वेश्चन आता है तो. ठीक है, यस मैम. अनदर डिजीज हेयर इज एचआईवी और एड्स, ओके, व्हिच इज human immunodeficiency virus infection and acquired immune deficiency syndrome. Okay, so AIDS ki full form hai aur ye HIV ki full form hai. Okay, HIV and AIDS. So it is basically a spectrum of conditions, a group of conditions which are caused by infection with HIV virus. HIV virus ki wajah se kya kya symptoms hote hain uske bare mein hai. ओके, सो उसका जो इनिशियल इफेक्ट होता है उसके इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, इस तरीके के. और लेकिन जब ये काफी समय तक इसके होने के बाद हमें कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखते, हमें पता नहीं चलता है. लेकिन इसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे. नाम क्या है? इम्यूनो डेफिशियंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम डेफिशियंट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, यानी कि वो फाइट बैक नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इसमें हमारा. ठीक है, सो वायरस सिस्टम पेशेंट विल सफर माइनर डिफिकल्टी, सिम्टम्स विल बी सिमिलर टू फ्लू. लेकिन जब ये एड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये लास्ट स्टेज बन जाती है जो कि एचआईवी से शुरू हुई थी. पेशेंट विल एक्सपीरियंस सीवियर साइन एंड सिम्टम डिस्टर्बिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वहां प्रॉब्लम आती है. बट अभी आई हैव हर्ड रिसेंटली कि शायद एचआईवी के लिए भी कोई मेडिसिन या वो वैक्सीन आ गया है. पहले ये ट्रीटेबल नहीं था, एचआईवी इज लाइक कि गया जैसे कैंसर होता है. बट आई हैव हर्ड रिसेंटली शायद कोई वैक्सीन जनरेट हुई है एचआईवी के लिए, एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए. सो एचआईवी प्रोग्रेशन में हाउ इट वर्क्स, HIV infection, 3 to 6 weeks after infection, the level of HIV in body rises. एकदम immunodeficiency virus का level peak पे जाता है. उसके बाद वो HIV positive हम कहलाएंगे 9 to 12 week में.
लेटर एचआईवी रिप्रोड्यूसेस एट वेरी लो रेट. अब आपका जो एचआईवी वायरस है बॉडी में धीरे धीरे एक लो रेट में लो पेस में जनरेट होता है बॉडी में, ठीक है. ड्यूरिंग द लेटेंट स्टेज ऑफ एचआईवी इंफेक्शन नो सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स भी नहीं दिखते इस फेज में, इट इज जस्ट देयर इन द बॉडी. आफ्टर मेनी ईयर्स इट किल्ड मेनी ऑफ योर CD4 सेल्स. CD4 सेल्स इम्यून सेल्स का पार्ट है आपके, ठीक है, ये आपके इम्यून सेल्स का पार्ट है और टी सेल्स के टाइप होते हैं ये, CD4 CD3 टी सेल के टाइप है. इसका काउंट धीरे धीरे एचआईवी वायरस क्या करता है, इनको मारता जाता है, इन सेल्स को मारता जाता है, यानी कि इम्यून सेल्स को मार रहा है अंदर, ठीक है, और उनको मारता रहता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है एचआईवी वायरस ग्रेजुअली. फिर एक टाइम आता है जब अचानक से बार हमारे अंदर घुस के होता है ना स्पाई करने, स्पाई करके छुप छुप के सारे सोल्जर्स को मार गया और अचानक से अब खुद एकदम सामने आएगा जब उसको लगेगा सारे सोल्जर तो मैंने मार दिए, तो उसका एकदम से जो पीक पीक पे जाएगा वायरस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर, ठीक है. सो द इम्यून सिस्टम इज वीकेंड एंड ऑपरचुनिस्टिक डिजीजेस कैन नाउ इन्वेड द डिफेंसलेस बॉडी. बॉडी में कोई सोल्जर ही नहीं बचा, डिफेंसलेस हो गई है, तो वायरल लोड बढ़ता जा रहा है बॉडी के अंदर और हमारा इम्यून सिस्टम इज गोइंग डाउन. Okay, so this black line is for immune system which is going down. This blue line is for viral which is going up gradually. Is it clear to everyone? ये concept समझ आया? ठीक है? Yes, ma'am. भाई yes or no बोला करो, मैं इतना बोलती हूँ, कुछ थोड़ा सा भी बोल लिया करो. Yes, ma'am. मैम वॉइस नहीं आ रही क्या है? मैम इतनी देर से बोल रहे हैं, आपको वॉइस नहीं जा रही क्या? हाँ मुझे क्यों आवाज नहीं पता चल रही. ओके सो दिस इज जस्ट एस्टिमेशन कितना प्रेवलेंस है, तो प्रेवलेंस आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा बट यू नो इन डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो दे आर हाईली प्रेवलेंट. हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है, दिखता है, पहले ज्यादा होता था, अब फिर भी इसका क्योर होने लगा है. 55 per 100 मेल्स तो देखा गया है, मेल फीमेल रेशो शिफ्ट हो गया है, 100 मेल्स के ऊपर 55 मेल्स को ये हो जाता है, 60 पे भी हो जाता है, 60 मेल्स आउट ऑफ 100 मेल्स. सो दिस इज एन इंक्रीजिंग इन ट्रेंड, बच्चों में भी अब होने लगा है. दिस इज इवन स्टेट वाइज इट इज गिवन, कौन सी स्टेट में कितना परसेंट एच आई वी है. टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद एच आई वी इन इंडिया इज 21.17 लाख, विच इज 0.26%. इसके कॉजेस क्या रहते हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड से एक्सचेंज होता है, अनसेफ सेक्स से एक्सचेंज होता है ये, सीमेन, अगर अनसेफ इंजेक्शन आपको लगते हैं, है ना, इंजेक्शन आप किसी हॉस्पिटल में गए हो एंड दे आर एक ही इंजेक्शन से दोनों इंसानों पे यूज कर दिया, तो इन दैट वे इंट्रावीनियसली इट कैन गेट ट्रांसमिटेड आपके ब्लड से, सीमेन से, वेजाइनल सीक्रीशन से, फ्लूइड से, इवन ब्रेस्ट मिल्क अगर मदर को है तो बच्चे में भी चला जाता है, ठीक है. सो दीज आर द रीजंस, अगर प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन यूज नहीं हुआ है, अगेन आई सेड अनसेफ सेक्स है यहाँ पे, बहुत मेजर कॉज माना जाता है ये. और एच आई वी हु इज प्रेगनेंट एंड हु हैज रिसेंटली गिवन बर्थ, तो वो बच्चे को भी जा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त. तो दीज आर द ओवरऑल रीजंस, ओके, ड्रग, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी, नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, नॉट ट्रांसमिटेड, कम, इट इज अ नॉन, इन दिस सेंस हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, किस करने से, इंसेक्ट, मच्छर अगर एच आई वी वाले पेशेंट को काटने के बाद मुझे काटने आया है तो उससे एचआईवी नहीं होगा, या पूल में साथ नहाने से भी नहीं होगा. सो पहले बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी जाती थी एचआईवी को लेके, अभी इतनी एड्स नहीं आती हैं बट पहले बहुत ज्यादा, शायद जब प्रेवलेंट बहुत ज्यादा था तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करी जाती थी, बिकॉज जिनको एचआईवी होता था तो उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता था, ठीक है मैम. दूरदर्शन पे बहुत एड आते थे इसकी. हाँ बहुत एड आती थी शुरू शुरू में.
दिस इज अ थिंग. अब हमने देखा ना, एक फेज ऐसा भी आता है जब बॉडी में वायरस होता है पर कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं, तो अनडिटेक्टेबल हो जाता है कभी कभी, HIV पता नहीं चलता है, तो अगेन ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. अदरवाइज क्या होता है, जब लास्ट स्टेज आती है ना, बॉडी का इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तब जाके लोगों को पता चलता था, तब वो चेक कराते थे और फिर पता चलता था अरे उनको तो HIV है. ओके, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है? एज पे, बॉडी की ऑलरेडी जो एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट वायरस, हाई क्वालिटी सैनिटरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, प्रेजेंस ऑफ अदर इन्फेक्शन इन द बॉडी, जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है उनका, ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ HIV. अब जैसे कोरोना में क्या हुआ ना, कोरोना में अपना वो रूप बदल के आता रहा बार बार, इसलिए हम बीमार हो गए. वैक्सीनेटेड होने के बाद हमें कोरोना हो गया था, राइट? क्यों? क्योंकि कोरोना अपना नेचर चेंज करके आ रहा था, भेस बदल के आ रहा था, है ना. सोचो आपका कोई दुश्मन है, आप पहचानते हो तो आप रेडी हो, विल शूट इट. लेकिन अगर वो हुलिया बदल के आए, डिसीव करके आए, तो हम पहचान नहीं पाएंगे, हम घर में बुला लेंगे, वेलकम कर लेंगे. इट इज लाइक दैट. तो वायरस अपना भेस बदलता है, चेंज करता है, ताकि हमारी बॉडी उसे पकड़ ना पाए. स्ट्रेस के साथ इसका बहुत कनेक्शन है. अगेन HIV कुड ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस. अब स्ट्रेस की वजह से भी कंडीशन खराब हो सकती है, और ऑब्वियसली जब कोई डिजीज हो गई है उसके बाद भी स्ट्रेस एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है. एंड अगेन आपका इम्यून सिस्टम पूरा इफेक्ट हो जाएगा. जैसे आपने पढ़ा, CD4 सेल इफेक्ट हो जाएंगे, बॉडी के नेचुरल किलर सेल टी लिम्फोसाइट सेल्स इफेक्ट हो जाएंगे, बॉडी के CD8-4 सेल्स का लेवल कम हो जाएगा. तो ये सारे हमारे इम्यून सेल्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं. स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन. साइटोकाइन का नाम भी मारना होता है सेल्स को, और अगर वो ओवर एक्टिवेट हो गए हैं तो भी स्ट्रेस होता है बॉडी में. इंटरफेरॉन गामा, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, ठीक है. तो स्ट्रेस होता है तो भी ये इम्यून सेल हमारा कम हो जाता है, और ये कम हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है. इंटरल्यूकिन 10, इसका लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से, और ये हमारे anti-HIV रिस्पॉन्स को इनिबिट करता है. अगेन HIV को रोक नहीं पाता है फिर. तो ये चीजें हैं विच इज अफेक्टिंग योर इम्यून सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है, जिससे HIV रेप्लिकेट होने लगता है, ठीक है. इसकी रेप्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाती है. There is therapy, antiretroviral therapy, ठीक है. एंटी मतलब अगेंस्ट, रेट्रोवायरल, इसका नाम रेट्रोवायरल इसलिए है क्योंकि HIV एक रेट्रोवायरस है. HIV एक रेट्रोवायरस है, इसका मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम एक इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं. इसका रेप्लीकेशन जो है वो नॉर्मल से अलग है, नॉर्मल DNA से वो अलग रेप्लीकेट, अलग तरीके से रेप्लीकेट करता है. इट्स अ रेट्रोवायरस, इसलिए इसका जो थेरेपी है उसका नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो इसके एक्शंस को रिवर्स कर सके, ठीक है. तो ओवरऑल आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस का कनेक्शन यहाँ भी रहेगा ही रहेगा. तो आई वुड गो ऑन इसमें जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको स्पेसिफिक एग्जाम के लिए चाहिए, क्योंकि सेम बात रिपीट हो रही है. डिप्रेशन एसोसिएटेड पाया जाएगा. ब्रीफमेंट, कोई भी बीमारी होती है तो हम ग्रीफ में चले जाते हैं, उसकी वजह से वो बीमारी और बढ़ जाती है. कोपिंग स्किल्स चाहिए हमें एडजस्ट करने के लिए. हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, योग मेडिटेशन में जाना पड़ता है, सोशल सपोर्ट चाहिए होता है पॉजिटिव हमें, एंड हमारा कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें इफेक्ट होती हैं. इसके नेगेटिव इफेक्ट भी ऑलरेडी नो, अगर कि हमें HIV हो रहा है किसी को भी, तो ऑब्वियसली माइंड अनस्टेबल होगा, बॉडी अनस्टेबल होगी, लाइफ अनस्टेबल हो जाती है पूरी. हम कोई काम नहीं कर सकते, पीपल विल जज अस, पीपल विल डिस्क्रिमिनेट अस, ओके. फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग्स, ये सारे इश्यूज इन्वॉल्व है इसके अंदर. ये इश्यूज आपको यहाँ पे आप बहुत इजीली यू कैन फिगर आउट. आई मे हैव ट्यूबरकुलोसिस,
जिसको एचआईवी है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो उसको ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगा। आई एम क्रिमिनलाइज, लोग क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उनको, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं स्टाफ, जॉब जाने का डर रहता है, फैमिली रिजेक्ट कर सकती है, और पर्सन कैन ऑल्सो भी अरेस्टेड। गलती से वो एचआईवी पार्टनर में चला गया है अगर विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो पर्सन खुद एचआईवी टेस्टेड, एचआईवी पॉजिटिव था, तो वो पर्सन अरेस्ट हो सकता है। उनका केस उनकी कंसेंट के बिना डिस्क्लोज कर देते हैं लोगों के सामने, एंड कोई समझता नहीं है। करेज टू सीक ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, और पीयर्स की मदद मिलना भी, अगेन इट इज अ डिफिकल्ट केस है। ठीक है, कैंसर में फिर भी ट्रीटमेंट मिलेगा, केयर मिलेगी, सब लोग पिटी करेंगे, एचआईवी में लोगों का नजरिया बदल जाता है। ओके, इंटरवेंशन यस के लिए एजुकेशन चाहिए, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, होता है तो कैसे डील करना है, नहीं होता है तो कैसे प्रिवेंट करना है, तो प्रॉपर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। अगेन हाउ टू प्रैक्टिस सेफ सेक्स, सेक्सुअल नेगोशिएशन, मोटिवेशन ट्रेनिंग, कि जहां पे लोग बदलने के लिए तैयार हो। ओके, इंटरवेंशन दैट प्रमोट एनेबलिंग एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल, अगेन वही सारे इंटरवेंशन है जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करोगे। ओके, उनको बताओगे कि कैसे इसको डील करना है, लॉज बनाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द राइट, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो प्रॉपर, उनको बुरी तरह ट्रीट ना किया जाए। ओके, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है हॉस्पिटल्स के मीडियम के थ्रू, इंटरवेंशन विद क्लिनिकल एंड मेडिकल सपोर्ट, कॉन्डम लुब्रिकेंट यानी कि सेफ सेक्स के लिए प्रमोट करना, एचआईवी टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट मिलना, सबको इजीली मिले ये ट्रीटमेंट, एंड प्रिवेंशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, दवाइयों के थ्रू और वो सॉरी इंजेक्शंस के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होनी चाहिए, नीडल और सिरिंज प्रॉपर यूज होनी चाहिए, एंड बिहेवियरल लेवल पे अगेन काउंसलिंग ऑन रिस्क रिडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, पीयर एजुकेशन, सोशल मार्केटिंग कैंपेन कि कैसे ये चीजें हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन डूज एंड डोंट्स, जस्ट टू सपोर्ट देम इमोशनली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने के लिए। तो हमें लोगों को ये नहीं पूछना चाहिए बार बार जाके, आपको कब से एचआईवी है, कैसे हुआ है, किससे हुआ है, ठीक है, और मुझे तो नहीं होगा ना आपसे, इस तरीके के। एंड इंस्टेड वी कैन से आप यू आर नॉट अलोन इन दिस, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ कि नहीं, आई एम हेयर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है, इस तरीके का एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए। सेल्फ री इवेल्युएशन, अपने अपने बिहेवियर को वी हैव टू री इवेल्युएट कि क्या हम कैसे डील कर रहे हैं इस चीज के साथ। सीबीटी टेक्निक कैन बी फॉलोड, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कैन बी फॉलोड हेयर। अगेन आई गेस वी हैव डिस्कस सो फार कि ये कैसे प्रिवेंट हो सकता है, प्लस इसको कैसे डील करना है। हम मेजर मेजर रीजन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जहां से बीमारी आ रही है उसी से हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेराइल हम देखते हैं ना हॉस्पिटल, अरे सेम सिरिंज तो यूज नहीं कर रहे हैं वो हमारे साथ, ठीक है। डेंटल ट्रीटमेंट के वक्त भी वो सेफली यूज कर रहे हैं चीजें कि नहीं, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है कि नहीं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, प्रोटेक्टिव सेक्स दे हैव टू डू। सो ये सब रीजन आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे प्रिवेंशन के लिए। तो एचआईवी के प्रिवेंशन प्रोग्राम ट्रेन इंस्ट्रक्टर दें, अच्छा एज और कल्चरली रेलेवेंट मटेरियल यूज करें, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए स्कूल में, प्रॉपर एजुकेशन मिले, पेरेंट्स, यूथ सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एचआईवी। ओके, सो वी हैव डन विद दिस हेल्थ साइकोलॉजी थिंग, और आई वॉन्ट टू कवर वन मोर टॉपिक टूडे, दैट इज पीस साइकोलॉजी। बहुत छोटा टॉपिक है और सिंपल है, इफ यू गाइज वॉन्ट, अच्छा आचलन सृष्टि इज देयर, डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू और ब्रेक चाहिए 5 मिनट का? कंटिन्यू, ठीक है, तो हम लोग करते हैं फिर पीस।
हेलो मैम, हाँ जी, मैम 5 मिनट्स का प्लीज ब्रेक दे दीजिए। अच्छा ब्रेक चाहिए, जी मैम। चलो ठीक है, 5 मिनट ब्रेक लो, इतने में पीपीटी ऑर्गेनाइज यस करती हूँ। मैम, थैंक यू मैम।